गाड़ी में बैठ के दो लोगों को लेके जा सकती हूँ, नहीं तो कहीं पे जहाँ भी आप कहें, चाहे मिर्जापुर में, चाहे सोनभद्र में, चाहे बनारस में, जहीं जहाँ भी आप कहें मुझसे मिलवा लीजिए। मेरा मकसद यहाँ आने का ये था कि मैं मिल लूँ, मैं जब मिलूंगी तो मैं चली जाऊंगी। कल रात को भी उन्होंने यही दोहराया कि आप चले जाइए, यहाँ पे ऐसा नहीं करिए। एक घंटे के लिए मैं से बात की, मैंने फिर यही दोहराया कि मैं परिवार के सदस्यों से मिलने के बिना यहाँ से नहीं। प्रियंका जी, एक कानून क्या है, बाकी जो उनको करना है वो उन पर। प्रियंका जी, आप इस बात के लिए तैयार होंगे घर से बाहर भी कहीं अगर परिवार के लोगों से मिलवाने के लिए? प्रियंका जी, मिल के जाने के लिए तैयार हैं? तैयार के लिए तो मैंने शुरू से उनसे कहा। बाहर प्रियंका, देखिए जिस समय उन्होंने मुझे रोका, मैंने उनसे कहा मैं 140 का आरक्षण नहीं करना चाहती। अगर आप कह रहे हैं कि सोनभद्र में 140 है तो मुझे अपनी गाड़ी में बिठा के ले जाइए मिलने के लिए, या फिर मुझे बताइए कहीं और मैं मिल लेती हूँ, आप इंतजाम कर लीजिए। उन्होंने मना किया। मैंने कहा देखिए मिर्जापुर में 144 है नहीं, फिर आप मुझे मिर्जापुर में जाने से क्यों रोक रहे हैं? उसका कोई आधार दिखाइए, कोई कानूनी आधार दिखाइए, कोई कागज तो दिखाइए, कोई ऑर्डर होगा। उन्होंने कहा फोन पे ऑर्डर है। क्या अभी तक कोई कागज दिखाया? मुझे उन्होंने कोई कागज नहीं दिखाया, उन्होंने व्हाट्सएप पे एक ऑर्डर दिखाया जो 144 का सोनभद्र का ऑर्डर। तो मैंने उनसे कहा कि मिर्जापुर में अगर कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है, आपके पास लिखित में कुछ नहीं है, तो मैं मिर्जापुर जा सकती हूँ, तो मैं जा रही हूँ। जब मैं जाने लगी तो मुझे उन्होंने अपनी गाड़ी में बिठाया, बोला कि आप अरेस्ट हो गए हैं और यहाँ पे ले आए। तब से मुझे यहाँ पे रखा है, शायद कल 11 बजे थे, 24 घंटे हो गए होंगे। जब तक मैं उन परिवारों के सदस्यों से नहीं मिलूंगी तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मैंने उनसे भी कहा है अगर कोई तरीका वो ढूंढना चाहते हैं कि मैं वहाँ जाऊँ या कहीं और मिलूँ, सोनभद्र न जाके कहीं और मिलूँ, तो भी मैं सहमत हूँ, लेकिन मैं बगैर मिले यहाँ से। बीजेपी के तमाम उनका एक मंत्री छह लोग अस्पताल में पड़े, क्या भाजपा का एक भी मंत्री, क्या उनका मुख्यमंत्री, क्या उनका एक भी सांसद वहाँ पे पहुँचा है, उस गाँव में पहुँचा है उन आंसुओं को पूछने के लिए? प्रियंका गांधी, बिना मिले मैं दिल्ली नहीं जाऊंगी। प्रियंका गांधी का ये बड़ा बयान आपको बता रहे हैं, सरकारी गाड़ी में जाने को मैं तैयार। प्रियंका गांधी ने ये बड़ी बातें कही हैं, अपनी हिरासत पर मैं दो लोगों के साथ जाने को तैयार हूं। प्रियंका गांधी ने साफ कहा मुझे कोई पेपर नहीं दिखाया गया, बस मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज दिखाया गया जिसमें था कि धारा 144 है और रोका गया है, बिना मिले मैं दिल्ली नहीं जाऊंगी। प्रियंका गांधी ने ये साफ कह दिया है, क्लियर एंड लाउड मैसेज प्रियंका गांधी का, सरकारी गाड़ी में जाने को मैं तैयार। तो प्रियंका गांधी कहीं भी, जो कल लगभग 11 बजे ये सारी चीजें शुरुआत हुई हैं, उसके बाद ये कहीं भी खत्म होता हुआ फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा है। सोनभद्र जाने पर अड़ी हुई है प्रियंका गांधी, प्रियंका का जमानत लेने से साफ इनकार, और सोनभद्र पर ये सियासी संग्राम।